हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली आईडी में यदि आपके ऑप्शन के हम बात करें बीपीएल राशन कार्ड से रिलेटेड। ये तो गाइज आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है उसका रीज़न हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ये वाली साइट आपको ओपन कर लेनी होगी, यानी मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी यानी PPP, हम इसे गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको ओपन देखने को मिल जाएगी। यदि नहीं भी होती है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो मतलब वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ से, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे हम इस पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया उस पर के बाद में आपको फैमिली आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरह से टाइप किया उसके बाद हम यस करेंगे, फिर यहाँ पर हम अपनी फैमिली आईडी फिल कर देंगे, ठीक है। तो गाइज मैं अपनी यहाँ पर फैमिली आईडी फिल कर देता हूँ। जैसे फैमिली आईडी फिल करूँगा सर्च कर दूँगा, सर्च करने के बाद सेंड ओटीपी कर दूँगा। जो मेरी फैमिली आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आने के बाद में यहाँ पर मैं फिल कर दूँगा ये ओटीपी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है मैं ओटीपी फिल करने के बाद में क्या करूँगा वेरीफाई ओटीपी कर दूँगा। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में यानी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रीवेंस लगाना चाहिए इनकम से रिलेटेड, तो गाइज यहाँ पर हम कैसे ग्रीवेंस लगाएंगे, ठीक है। अपनी फैमिली आईडी पे PPP पे सीधी बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पर गाइज हमारी इनकम ज़्यादा लिखी हुई है तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना होगा इनकम ग्रीवेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे टाइप करूँगा उसके बाद में डू यू वांट टू चैलेंज वेरीफाइड इनकम, क्या अगर हम चैलेंज करेंगे तो यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे इस तरह से कुछ सेकंड चलेगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा चेंज विल बी चेकड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एंड अप्रोप्रियट एक्शन विल बी अफेक्ट आफ्टर दैट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट चेक करेगा उसके बाद में आपकी इनकम के बारे में कुछ विचार करने के बाद में कुछ चेंज होगी तो चेंज करेगा। यहाँ पर हम बीपीएल राशन कार्ड हमारा क्यों नहीं बना वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लो आपके फैमिली आईडी में 5 सदस्य 4 सदस्य जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य ITR फिल करता था या फिर आपकी मेरी फसल मेरा वर्ल से रिलेटेड वो फॉर्म भरता था उससे रिलेटेड यहाँ पर, या फिर आपकी ज़मीन यहाँ पर लिखा रहा मिल गया 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, या फिर आपका और भी कुछ रीज़न मिले इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया आपने उससे रिलेटेड आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा मिलेगा एनुअल इनकम ग्रेटर दैन एनर 1,80,000 पर NM, यानी 1,80,000 से आपकी इनकम ज़्यादा है इस वजह से आपकी बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया है, इस वजह से आपका नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ग्रीवेंस का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर CBDT का ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को, इसका मतलब ग्रीवेंस लगानी है। कैसे लगाएंगे यहाँ पर ग्रीवेंस वाले टैब में ऑप्शन पर टैप कर लेते हैं। जैसे हम टैब ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका सेशन देखने को मिल जाता है ITR का नया सेशन, ठीक है। उससे पहले वाला ऑप्शन था 2018-19 था, अब यहाँ पर चेंज हो चुका है आपका 2019 और 20 में यदि आपने ITR फिल की है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना होगा, ठीक है। नहीं की है तो नोट फाइल भी कर सकते हैं, आपने किस पर्पज़ से की है वो यहाँ पर पर्पज़ का ऑप्शन हम दिखा सकते हैं। ITR फिल्ड फॉर टेकिंग लोन, यदि आपने ITR फिल की थी किसी कारणवश किसी बैकाउंट में आकर लोन लेने के चक्कर में और आपने ITR तो फिल कर दी आपने उसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, तो गाइज यहाँ पर क्या करेंगे अपनी ITR की जो आप फाइल फिल की थी आपने ऑनलाइन निकलवाने के बाद में PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करवा लें, ठीक है। और उसके साथ एक छोटी सी एक एप्लीकेशन भी लिख दे अटैच करवा लें, ठीक है। ये अटैच करवाने के बाद में फिर यहाँ पर इस तरह से आपने जो भी सन में अप्लाई की है, जैसे मान लो 20-21 का इस तरह 21-22 का सेशन भी है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 22-23 का सेशन भी है, यदि इनमें से आपने जो भी फिल कर रखी है उसको यहाँ पर टेक लोन वाले ऑप्शन पर टिक कर लें। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एनुअल इनकम का ग्रोथ यहाँ पर टोटल फिल कर दें और यहाँ पर आपको चूज फाइल अपलोड कर लें, ये करने के बाद में भी आप कर सकते हैं। तो गाइज यदि ये आपके पास PDF फाइल है तो यहाँ पर कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो सिलेक्टेड क्या करें प्रिंट आउट निकलवाएं। यदि ये भी नहीं करना चाहें तो आप पहले क्या करें ITR फिल फाइल टेकिंग लोन ये वाले इसके लिए किया है तो आप इन पर टिक कर लें, ठीक है। यहाँ पर इनमें से टिक करने के बाद में क्या करेंगे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में क्या मिलेगा ऑप्शन प्लीज़ अपलोड ITR डॉक्यूमेंट फॉर ईयर 2019-20 के अनुसार, ठीक है। यानी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर लेना होगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करेंगे उसके बाद में आपको सबमिट कर देना होगा। तो गाइज मैं यहाँ पर अपने किसी भी स्टूडेंट के कैंडिडेट का यहाँ पर अटैच करने के बाद में सबमिट कर देता हूँ उसको।
तो भाई जैसे हमने ये कर दिया ITR से रिलेटेड, फिर अपनी जो अथॉरिटी में चली जाएगी, डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में हफ्ता 10 दिन के बाद में यहाँ पर आपको शो कर देगा, यदि आपका अलाउ होगा, राशन कार्ड एलिजिबल होगा तो आपका बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि अपने इनकम के रिलेटेड भी कम करना चाहें कैसे करेंगे, ग्रीवेंस लगाने से रिलेटेड भी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। वो PDF फाइल आपको यहाँ से अपलोड कर लेनी होगी, ठीक है गाइज। यदि आपका यहाँ पर नहीं शो करता है, जैसे मान लो आपका 200 गज का सिक्योरिटी यानी प्लाट दिखा रखा है, या फिर लैंड रिकॉर्ड दिखा रखा है, मेरी फसल मेरे बरों का, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल मेंबर दिखा रखा है यहाँ पर, और आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है ग्रीवेंस का रिलेटेड, तो आपको कौन सी साइट पर जाना है, यानी आपकी PPP की रेड सेल ग्रीवेंस वाली साइट है उस पर जाकर, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, कैसे आपको लगाना है वो वीडियो आप चेकआउट जरूर से कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको ग्रीवेंस लगाना चाहें उसमें ग्रीवेंस लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उस वेबसाइट का वो वीडियो मैं आपके लिए जरूर जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, उस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको ग्रीवेंस लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।